हेलो दोस्तों, आज आपको बताएंगे भारत की प्रमुख रचनाएं। जैसे देखिए, परियोजना का नाम है भाखड़ा नांगल बांध। ये भाखड़ा नांगल बांध से कौन कौन से राज्य लाभ ले रहे हैं, तो कौन से राज्य? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। और ब्यास परियोजना है, ब्यास परियोजना से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ये सब राज्य जो है इससे लाभ ले रहे हैं ब्यास परियोजना से। अब है हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड बांध परियोजना से कौन सा राज्य लाभ ले रहा है? ओडिशा लाभ ले रहा है। नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना से आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्य लाभ ले रहे हैं। ये नागार्जुन सागर परियोजना जो है वह सतलज नदी पर बनाया गया है। आपको बता रहे हैं सतलज नदी पर बनाया गया है। और जो हीराकुंड बांध परियोजना है वो महानदी पर बनाया गया है। अब देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कृष्णा नदी पर बनाया गया है, कृष्णा नदी पर। और कौन से राज्य इससे लाभ ले रहे हैं, तो वह है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। और छठवां है सरदार सरोवर बांध परियोजना। यह नर्मदा नदी पर बनाया गया है। इससे जो है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान लाभ ले रहा है। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं राजस्थान। सातवां है दामोदर घाटी परियोजना। यह दामोदर नदी पर बनाया गया है। इससे झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्य लाभ ले रहे हैं। और आठवां है फरक्का परियोजना जो है कि गंगा भागीरथी नदी पर बनाया गया है, जो कि पश्चिम बंगाल इससे लाभ ले रहा है। राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। और है नवा है रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना जो है कि रिहंद नदी पर बनाया गया है। इससे जो है उत्तर प्रदेश लाभ ले रहा है। और देखिए माता टीला परियोजना जो है कि बेतवा नदी पर बनाया गया है। इससे जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य जो है इससे लाभ ले रहे हैं। 11वां है राम गंगा परियोजना यह राम गंगा नदी पर बनाया गया है। और इससे भी उत्तर प्रदेश राज्य ही लाभ ले रहा है। इधर जो है राज्य है और इधर का जो है वो परियोजना है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।